हेलो गाइस, वेलकम अगेन। माय नेम इज निकेश त्यागी। टुडे बच्चों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो वो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज एंड मेरे प्यारे बच्चों हैव। एक्चुअली आप लोगों ने अब तक हैज और हैव का यूज पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है। मेरी वीडियोस को बस लास्ट तक आप लोग देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैंने लिखा है यूज ऑफ हैज एंड हैव। एक्चुअली हम लोग समझते हैं, सब लोग हैज और हैव का जो मीनिंग होता है वी नो वेरी वेल क्या, रखना। रखना मतलब हम लोग कहते हैं मेरे पास एक पेन है। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक पेन है। तो हम कहते हैं आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक पेन है। तो हम लोग यूज करते हैं आई हैव अ पेन। उसके पास एक पेन है तो हम कहते हैं ही हैज अ पेन। एम राइट ना? लेकिन मैं आज हैज हैव के साथ साथ आपको बहुत सारे मतलब इसके बताने वाला हूं जो आप लोग यूज करते हो, डेफिनेटली ये एग्जाम्स में आपको मिलने वाला है। पहला कंसेप्ट तो यही है, हम लोग कह रहे हैं देखिए, ही हैज अ कार। ही हैज अ कार मतलब एकदम क्लियर है, सब जानते हैं मतलब क्या है, कि उसके पास एक कार है। भाई वो एक कार रखता है। आई हैव ए कार तो मेरे पास एक कार है। लेकिन मैं आज आपको ये नहीं, मैं कुछ सिखाने आया हूं। वो क्या सिखाने आया हूं? पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि हम लोग आज पढ़ना क्या है और मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं आप लोग को। हैज हैव का मतलब मैंने क्या रखा है? रखना। लेकिन बच्चे, हैज हैव के बहुत सारे मीनिंग हैं। हैज हैव का मतलब रखने के साथ साथ देखिए, हैज हैव को का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हैज हैव का मतलब ईट भी होता है। क्या होता है? ईट, जो आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं। और हैज हैव की सेकेंड फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों वो होती है, और थर्ड फॉर्म। यहां पर अगर बात करें ईट की सेकंड फॉर्म क्या यूज किया हम लोगों ने? एक्ट। और थर्ड फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर है, और ये हो जाता है आपका क्या? ईटर। तो पहली बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने पढ़ा हैज हैव का मतलब ईट भी होता है और हैज हैव का मतलब रखना भी होता है। अगर हम हैज हैव को यूज कर रहे हैं, हैज हैव को यूज कर रहे हैं एज ए मेन वर्ब, पहली कंसेप्ट तो यही है कि हैज हैव को मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। And we use has have helping verb also. हम दोनों की तरह यूज करेंगे। helping verb क्या होता है? main verb क्या होता है? main verb बच्चों, जो action हो रहा है that is a main verb. action जो चल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? main verb बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने बोला है he has a car, he subject has that is a main verb also here. और देखिए यहाँ पर कोई काम थोड़े ना हो रहा है, क्या मेरे पास एक कार है तो मैं has को यहाँ पर main verb की तरह यूज कर रहा हूँ। he has a car. लेकिन अगर बच्चे यहीं पर देखिए, मैंने क्या बोला है, has have is equal to eat and second form has have की क्या होता है? had होता है। और eat की second form क्या होता है? at होता है। और फिर third form had हो जाता है, और यहां पर भी third form eaten हो जाता है। तो मतलब क्या है, has have को हम लोग eat वाली form में भी use करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि हम लोग eaten वाली form में हम उसको यूज कैसे करें। ओके, तो यूज कैसे करना है ये अभी देखते हैं। आइए जरा देखते हैं। तो हैज हैव को मेन वर्ब की तरह भी यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करना है। जैसे मैंने कहा सी हैज अ नाइस पेन, उसके पास क्या है? एक नाइस पेन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं हैज ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। अगर एक्शन नहीं है तो हैज यहां पर रखने को बता रहा है मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है? एक नाइस पेन है, एक अच्छा पेन है। और मैंने कहा है जब उसमें कोई एक्शन हो रहा है तो हैज हैव क्या बन जाएंगे? मेन वर्ब बन जाएंगे। और अगर एक्शन नहीं है तो हम फिर क्या यूज करें? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करें। मतलब कैसे हेल्पिंग वर्ब? एक्शन ना होने का मतलब क्या है? देखिए एक्शन तो यहां पर भी नहीं है, लेकिन क्या इसको मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं? नहीं, एक्चुअली हैज हैव हेल्पिंग वर्ब कैसे होंगे यह भी आप लोग देखेंगे। मैंने कहा हैज हैव मेन वर्ब भी है और हैज हैव हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहां पर सी हैज अ नाइस पेन को मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक पेन है, और यहां पर हैज जो है वो क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली कैसे होगा? तो आज का हमारा टॉपिक ही क्या है, हमें हैज हैव हैड के बारे में पढ़ना है। तो लेट अस सी, देखिए हम लोग हैज हैव को कैसे पढ़ें। एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है। सपोज करिए देखिए, हम लोगों ने कहा है सी हैज इटन, देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, सी हैज इटन लंच, सी हैज इटन फूड, कुछ भी ले लीजिए आपको लेना है, सी हैज इटन फूड। आप देख रहे हैं दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट। हम लोग सब जानते हैं सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों है? बिकॉज हैज और हैव के साथ, किसके साथ? हैज और हैव के साथ जब हम लोग यूज करते हैं थर्ड फॉर्म, क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म,
तो बच्चे हैज हेल्प को वी से क्या हेल्पिंग वर्ब, एंड जो वर्ब थर्ड फॉर्म है वी से क्या मेन वर्ब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। सब लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज है और एक्शन जो हो रहा है वो इटन हो रहा है, आई एम राइट। लेकिन इस सेंटेंस को देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, उस सेंटेंस को हम समझेंगे। तो हैज हैव मैंने कहा जब रखना है, सिंपल सेंटेंस की बात करें तो हैज हैव का मतलब क्या होगा, रखना होगा। आई हैव ए पेन, यू हैव ए कार, दे हैव ए फैन, तो यहां पर हैव का मतलब रखना है और यहां पर हैज हैव को हम मेन वर्ब बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या बोला, हैज ईटन फूड, मतलब क्या है, वो उससे क्या किया है, सी हैज ईटन फूड, उसने खाना खाया, तो एक्शन क्या हुआ, ईटन हुआ है, दैट इज अ मेन वर्ब। तो हैज हैव क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। लेकिन मुझे तो कुछ और आपको समझाना था, वो देखिए मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। इस सेंटेंस को आई एम राइटिंग हियर, सी हैज हैड फूड, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि हैज के साथ में हैड का यूज कर रहा हूं, बच्चे आपको मैंने जस्ट बताया कि हैज और हैव का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ईट भी होता है, क्या होता है, ईट। और हैज हैव के सेकंड फॉर्म यहां पर क्या है, और थर्ड फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, एट। और यहां पर थर्ड फॉर्म क्या है, और इसकी भी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, ईट। मतलब क्या है, जहां ईट यूज करना आप हैज और हैव का यूज करेंगे, आपको एट यूज करना तो हैड यूज करेंगे, आप ईटर यूज करने तो आप हैड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला है सी हैज दिस, देयर इज हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हैड दैट इज अ मेन वर्ब। और देखिए मैंने क्या बोला है, हैड का मतलब ईटन भी होता है, तो देखिए यहां पर एकदम बिल्कुल क्लियर सा है, सी हैज हैड फूड, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूं मेरी बात शायद सब लोग समझ रहे होंगे जो बोलना चाह रहा हूं, यहां पर हैड का मतलब ईटन है। आप यूज करिए, देखिए आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। अब बच्चे हम लोग सब जानते हैं, अगर बात करें तो आई एंड वी एंड बच्चे यू एंड मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी अगर प्लुरल नाउन है, क्या है, कोई भी अगर प्लुरल नाउन है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, हैव का। और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सब जानते हैं अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ही, सी, और मेरे प्यारे बच्चों इट, और मेरे प्यारे बच्चों किसी का अगर नेम है, मतलब सिंगुलर है, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, हैज का। मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम लोग यूज करेंगे हैज का, सिंगुलर नाउन है सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम लोग यूज करते हैं क्या, हैव का। मेरे प्यारे बच्चों ये मुझे बताने के लिए नहीं है, तो शायद मेरे ख्याल से आई के साथ सब लोग जानते हैं, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहां पर मेरे प्यारे बच्चों मेन वर्ब है, तो मतलब समझ में आ गया होगा क्या बोला है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और प्रेजेंट परफेक्ट सब लोग जानते हैं, जो काम ने अभी अभी पूरा किया है दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज के बाद आप यूज करिए आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, यूज करिए आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, देखिए ईटन ब्रेकफास्ट, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हैज हैव का मतलब ईट भी होता है और हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, एट हो जाती है, थर्ड फॉर्म हैड है तो यहाँ ईटन हो जाता है। तो शायद मेरी बात क्लियर हुई है जो मैं बताना चाह रहा हूं। आइए कुछ और हम लोग हैज हैव का एक अच्छा यूज देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हैज हैव सिंपल फॉर्म में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। देखिए मेरे पास एक सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल सा, एग्जाम में जो आया है, सी has been to Delhi, she has been to Delhi। अब बच्चे कुछ लोग बड़े ही कंफ्यूज होंगे सेंटेंस को देखकर, she has been, क्योंकि हम लोग जानते क्या है, has been के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एज होना चाहिए, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, उसमें सिंस एंड फॉर भी होना चाहिए। बट पियर देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बी का मतलब होता है होना, और बी दैट इज अ मेन वर्ब, बी का मतलब क्या होता है, होना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। She has been to Delhi, और मेरे पास एक सेंटेंस है, She has gone to Delhi, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों सेंटेंस में बच्चे इसका मतलब सब लोग जानते हैं, She has gone to Delhi, वो दिल्ली चली गई है, मतलब दिल्ली पहुंच चुकी है, am I right? और अभी अभी ये जस्ट नाउ, तभी तो हम लोग कह रहे हैं She has gone to Delhi, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, जो काम अभी हम परफेक्ट करके निपटे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन she has been, अब देखिए has been है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए था और सिंस एंड फॉर होना चाहिए था, तब आप इस सेंटेंस को बोलते कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन बच्चों ना तो यहां पर आईएनजी है,
और ना ही सिंस एंड फॉर है, लेकिन दैट इज अ राइट. ये सेंटेंस तब भी राइट है मेरे प्यारे बच्चों. राइट कैसे है, क्वेश्चन ये है, सी हैज बीन टू दिल्ली. बी का मतलब मैंने क्या कहा है, होना. और हम कहते हैं क्या तुम वहां होकर आए हो, क्या तुम मौसी के यहां जाकर आए हो. होना मतलब बच्चे यहां पर बी मतलब गया भी है और आ भी गया है, लेकिन यहां पर वो दिल्ली गई है, लौटी है नहीं है. हो सकता है वहां से कहीं और चली जाए. हमने कहा सी हैज गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुकी है. अब दिल्ली से हो सकता है बॉम्बे चली जाए. लेकिन मेरे बच्चों यहां पर देखिए मतलब क्या है, सी हैज बीन. बी का मतलब होना और होने की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है. तो मतलब क्या हुआ कि वह दिल्ली जाकर आ चुकी है. हम कहते हैं तुम मौसी के यहां होकर आए हो क्या, तुम घर पर होकर आए हो क्या. यू हैव बीन. देखिए मैंने क्या बोला, यू हैव बीन टू योर होम. यू हैव बीन टू योर होम मतलब क्या है, तुम अपने घर जाकर आ चुके हो क्या. मतलब गया भी है और आ भी गया है, क्योंकि बी का मतलब होना है. और देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है. किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है. ये किसी और का टेंस नहीं है, क्योंकि हैज के साथ वर्ब हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है. तो मतलब गया भी है और आ भी गया है. मैंने कहा आई हैव बीन टू माय अंकल्स हाउस, तो मैं अपने अंकल के घर गया हूं और आ भी गया हूं. मतलब गया और आ भी लौट चुका हूं, अभी आ भी चुका हूं. दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट. बच्चे एग्जाम में स्टूडेंट देखकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हैज के साथ बीन है, वर्ब के पास में एनजी नहीं है. तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली हैज हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग सब जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है. क्या आता है, थर्ड फॉर्म. और बी की थर्ड फॉर्म बीन है, जिसका मतलब क्या है, होना. तो आज के बाद अगर हम बोले क्या तुम वहां होकर आए हो, तो हम बोलेंगे यू हैव बीन टू देयर. यू हैव बीन टू देयर. अगर हमने कहा है तुम वहां गए हो या तुम यहां आए हो, तो हम बोलेंगे यू हैव कम हेयर. You have come here. मतलब अभी तुम गए नहीं हो, तुम सिर्फ यहीं पर हो. क्या मेरी बात क्लियर है, क्लियर है. आइए let us see एक example और देखते हैं. अक्सर मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक सेंटेंस मैंने पढ़ा, she is having a car. ये सेंटेंस एकदम रॉन्ग है, लेकिन she is having breakfast. अब देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप लोग को पढ़ना क्या है, She is having breakfast. Actually, students, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो बड़ा कुछ कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चीजों को ठीक किया जा सकता है. बस मेरी बात को सुनना है और समझना है. She is having a car, that is wrong. क्योंकि have देखिए यहाँ पर is having. हम कहेंगे उसके पास एक कार है तो बोलेंगे she has a car. या हम बोलेंगे वो एक कार की मालिक है तो she owns a car. owns, she owns a car. लेकिन यहां पर बोला she is having a car. मतलब has have का मतलब देखिए मैंने क्या कहा अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, और बच्चे has में ing नहीं लगाते आप लोग, that is wrong. क्योंकि हमने क्या कहा she is के साथ, she के साथ is यूज करेंगे. और has have की बात मैंने अभी की थी, क्या होता है eat. तो यहां पर इसका मतलब देखिए क्या है, she is having a car, मतलब she is eating a car. क्या ये पॉसिबल है क्या कि मतलब वो कार खा रही है, मतलब दो चार पहिए खा चुकी है, दो चार बच्चे हुए हैं, अभी और भी खाना है, ऐसा कोई है क्या, इसका कोई मतलब ही नहीं है. सी इज हैविंग ए कार, दैट इज रॉन्ग. तो लेकिन यहां पर कहा सी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, मतलब क्या है, सी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, मतलब वो ब्रेकफास्ट कर रही है, अब तक ब्रेकफास्ट किया नहीं है. तो दैट इज अ राइट सेंटेंस, बट दैट इज अ रॉन्ग, बिकॉज इसका कोई मीनिंग ही नहीं है. तो चीजों को समझना पड़ेगा. अगर हमने कहा आई एम हैविंग अ मोबाइल, मतलब मैं एक मोबाइल खा रहा हूं, अभी कीपैड खा चुका हूं, अभी कैमरा खा चुका हूं, अभी जो है ना अभी क्या बचा है, अभी स्क्रीन बची है उसको खाना है अभी, उसका कोई मतलब ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग. लेकिन हम कहें सी इज हैविंग लड्डू, सी इज हैविंग लड्डू, वो लड्डू खा रही है. सी इज हैविंग रसगुल्ला, वो रसगुल्ला खा रही है. तो चीजों को हमें समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हो गया तो फिर बात नहीं बनेगी. आई होप सो हैज हैव का पहला यूज मैंने क्या बताया आप लोगों को रखना, और हैज हैव का सेकंड यूज मैंने क्या बताया बच्चे, क्या ईट मेरे प्यारे बच्चों. और हैज हैव का एक यूज मैंने देखिए यहां पर हैज के साथ जो बीन यूज करके दिखाया है, दैट इज अ राइट. तो चीजों को हमें समझना पड़ेगा, हैज हैव का मतलब रखना भी होता है. आइए एक सेंटेंस और देखते हैं. एक सेंटेंस है मेरे पास, अगर आप देखें सी हैड हैड ब्रेकफास्ट, या यू कैन से यू, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, had breakfast. You had breakfast. अब मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंस एकदम राइट है,
कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर दो बार हेड कैसे आ गया। भाई फर्स्ट हेड पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है, हम सब जानते हैं। और इस हेड का मतलब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ईटन है। क्या है? ईटन है। तो यू कैन से यू हैड ईटन ब्रेकफास्ट, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। तो हैज और हैव का जो यूज है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो हम लोग करते ही हैं। अगर हम बोलें यू हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली जा रहे हो फॉर 7 आवर्स। कितने घंटे से? 7 आवर्स से। तो बच्चे यहां पर तो हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी है, और हमने क्या यूज किया है, सिंस एंड फॉर के लिए टाइम भी यूज किया है। तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होगा ही होगा, तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ये इजी सेंटेंस है। जब मैं पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जब मैं पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जब लोग पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, तो शायद मेरी बात क्लियर होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। आई होप सो दैट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझते हैं हम लोग, आइए। एक्चुअली अक्सर मैं सुनता हूं कि मैं तुम्हें 20 सालों से जानता हूं, मैं उसे 20 सालों से जानता हूं। ऐसा लग रहा है कि 20 सालों से जानता हूं, दैट इज अ प्रेजेंट इनफिनिट। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, आई हैव नॉन टू हिम फॉर 20 इयर्स। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं जो बताना चाहता हूं यह है कि यहां पर मैंने हैव के साथ नोन लगाया है, और आप देख रहे हैं यहां पर बीन भी नहीं है, यहां पर बीन भी नहीं है, और मैंने फोर का यूज किया है। बच्चे मैं इसी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, माय फ्रेंड हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर फाइव इयर्स। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सेंटेंस राइट है और ये भी राइट है। एक्चुअली हम लोग चीजों को समझते हैं, मैं उसको जान चुका हूं। कब से जान चुका हूं? 20 सालों से। एक्चुअली अगर आपने यहां पर कहा आई हैव बीन नोइंग, हैव बीन आप लोगों ने लगाया, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड है जिनके साथ आईएनजी नहीं आ सकता, और नो में से एक है। और भी वर्ड है बच्चों, वो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, टेंस से पढ़ाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। देखिए क्या क्या, आई हैव नोन टू हिम फॉर 20 इयर्स। तो राइट सेंटेंस क्या हुआ, मैं उसको जानता हूं, तब से जानता हूं, 20 सालों से बच्चे अभी भी जानता हूं, और जो काम अब तक है परफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। इंग्लिश में और भी कई सारी वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी नहीं होता, उनमें आईएनजी नहीं होता और टाइम भी प्रेजेंट करना है, तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेंगे। मैं उसे 20 साल से जानता हूं, वो या मुझे वो 20 साल से जाती है। सी हैज लव्ड मी फॉर 20 इयर्स। अगर आपने बोला सी हैज बीन लविंग मी फॉर 20 इयर्स, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कोई मतलब नहीं है। तो आई होप सो आपको हैज और हैव का यूज समझ में आया होगा, ठीक है? तो यहां पर देखिए क्या कहा, माय फ्रेंड हैज लिव्ड, मतलब मेरा फ्रेंड रह चुका है इसमें, इस घर में 5 सालों से, 5 साल वो रह चुका है, मतलब अब नहीं रह रहा है, मतलब अभी अभी शिफ्ट करके गया है। और अगर आप बोलते हैं माय फ्रेंड हैज बीन लिविंग, तो मतलब क्या है, वो अभी भी रह रहा है। तो चीजों को समझना पड़ेगा, यहां शिफ्ट करके जा चुका है और हैज बीन लिविंग में वो रह रहा है अभी। तो यहां पर नो में तो आईएनजी लग ही नहीं सकता, क्योंकि नो स्मेल फील और भी कोई सारी वर्ब है जिनमें आईएनजी अगर आपको यूज नहीं करना, जैसे लव है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के बाद हैज और हैव के कंसेप्ट में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। हम लोग अक्सर कहते हैं हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव लंच, यूज किया नहीं किया, तो बच्चे नहीं यूज करेंगे। वहां पर हैव का मतलब टेक से मतलब है, ईट से मतलब है, खाने से मतलब है। तो आई होप सो बच्चों ये मेरी बात क्लियर हुई होगी। अगर बच्चों क्लियर है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू टू ऑल।